चांदपुर नगर पालिका की लापरवाही के चलते नगर के दो स्कूल तालाब बनते जा रहे हैं। स्कूल परिसर में जल भराव का आलम कुछ यूं है, स्कूली बच्चों को पानी से गुजरकर अपने क्लास तक पहुंचना पड़ रहा है। दरअसल चांदपुर में प्राथमिक विद्यालय का कोटला और सराय रफी दोनों स्कूलों के परिसरों में नगर पालिका की अनदेखी के चलते पानी भरा पड़ा है। स्कूली परिसर में जल भराव के कारण ज्यादातर बच्चों को घर लौटना पड़ रहा है या फिर बच्चों को क्लास तक पहुंचने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते जहां स्कूल परिसर में पानी भरने से बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है, वहीं स्कूल के आसपास संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। स्कूल के शिक्षकों और पढ़ने वाले बच्चों ने समस्या से जल्द निजात दिलाने की मांग की है। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। रियान, कहाँ पढ़ते हैं आप? पानी भर रहा है। कब आया ये पानी? कहाँ से आया पानी? क्या बार बार आता है यह पानी? बार बार आता है। तो कितने बच्चे नहीं आ पाए आज? आज बहुत सारे नहीं आए पानी की वजह से। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी नगर पालिका से आया है। क्या इसकी शिकायत आपने की है? सर, जो खड़े थे हमको जाने के लिए तो पानी बहुत ज्यादा था, और जो खड़े की दीवार था हमने उनसे कहा भी जा रहे थे कि आप पानी बंद कर दीजिए, वो हंस के चले हैं, सुखी कहा उन्होंने। कितने बच्चे अनुमति दी आप? सर, काफी बच्चे हैं, दोनों स्कूलों में 50 बच्चे आए हैं, जबकि 122 के लगभग बच्चे हैं। वजह क्या रही है? सर, वजह नगर पालिका पानी क्योंकि बहुत ज्यादा था, और बच्चे बाकी बच्चे जो आ गए पहले मेरे साथ आए तो सर वो आ गए थे पानी भीग कर आए, और हम भी पानी में चल कर आए हैं।